बचपन में पढ़ने में नहीं लगता था मन, लेकिन माँ ने दिलाया मुकाम। जिसने छात्रों को फिजिक्स पढ़ना सिखाया, प्रोफेसर की किताब को इंजीनियरिंग के छात्र मानते हैं गीता और बाइबल। फिजिक्स को आसान बनाने के लिए कई परियोजनाओं को चलाया, छात्रों को आज मिल रहा है उसका लाभ। बिहारी बेजोड़ के आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रतिभाशाली बिहारी के बारे में जिन्होंने पूरे देश के छात्रों को फिजिक्स पढ़ना सिखाया। फिजिक्स के बारे में लोगों के मन में जो एक धारणा थी कि यह रटने वाला विषय है, उस भ्रम को छात्रों से दूर किया। आज छात्र जब इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं तो उनकी लिखी हुई किताब को गीता और बाइबल की तरह पढ़ते हैं। पता ना कौन सा कॉन्सेप्ट छूट जाए और हम पीछे रह जाएं। ऐसे में इस बिहारी लाल ने देश को भौतिकी के साथ ही साथ इंजीनियरिंग को भी सरल बनाया। इंजीनियरिंग के छात्र भले ही इनकी किताब को गीता और बाइबल मानते हो, लेकिन जब वे बुक स्टोर पर जाते हैं तो यही कहते हैं कि हमें एससी वर्मा की किताब चाहिए, ना कि वो कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स चाहिए। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हरीश चंद्र वर्मा के बारे में, जो कि फिजिक्स की दुनिया में एससी वर्मा के नाम से जाने जाते हैं। प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी एससी वर्मा बचपन में पढ़ने में उतने बेहतरीन नहीं थे। उन्हें सभी विषयों में पास होने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ता था। कहा जाता है कि उस समय गांव के लोग रटकर किसी भी विषय को, अपनी पढ़ाई को किसी तरह से पार करते थे, लेकिन एससी वर्मा को यह नहीं भाता था। लेकिन किसी तरह से उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की। इस तरह की उनके बचपन का एक घटना का जिक्र किया जाता है। उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, ऐसे में यह पता ही नहीं चलता था कि एससी वर्मा क्या पढ़ रहे हैं। हालांकि उनकी माँ को इतनी जिम्मेदारी थी कि वे अपने बेटे के साथ बैठे रहे ताकि वह पढ़ता रहे। उन्हें छठ में बनने वाला ठेकुआ बहुत पसंद था और छठ के दौरान खूब ठेकुआ बना था। वे ठेकुआ खाने के बहाने लंबे समय तक पढ़ते थे। माँ और बेटे के बीच में यही शर्त था कि जितने देर पढ़ेंगे उतने देर तक उन्हें ठेकुआ खाने के लिए मिलेगा। इस माँ को इस बात का कुछ भी भान नहीं था कि उनका बेटा क्या पढ़ रहा है। अपने बचपन को दिनों को याद करते हुए वो कहते हैं कि बचपन में लंबे समय तक किसी एक कमरे में बैठे रहते थे। इस दौरान उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो किताब हमें पढ़ाई जाती है उसे ही इस दौरान पढ़ा जाए। इस अभ्यास को करते हुए उन्हें किताब के चैप्टर समझ में आने लगे। अब उनको धीरे धीरे सभी विषयों पर पकड़ बननी शुरू हुई थी। स्थिति यह थी कि लंबे समय से जिस विषय में वो फेल होते जा रहे थे, उन सभी विषयों में वे पास होने लगे। वो कहते हैं कि उन दिन को याद करते हुए आज भी मैं रोमांचित हो जाता हूँ। अब उनको पढ़ाई में मन लगने लगा था, किताबों की भाषा उन्हें समझ में आने लगी थी। उनके बाद उनका दाखिला सीधा पटना साइंस कॉलेज में हुआ। यहाँ उन्होंने बीएससी ऑनर्स में पढ़ाई शुरू की। वो कहते हैं कि यहाँ मुझे ऐसे शिक्षक मिले जो हमेशा विषयों के बारे में सिखाते थे, समझाते थे। यहाँ से उन्होंने बीएससी ऑनर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर, यानी कि IIT कानपुर से MSc की पढ़ाई की। यहीं से उन्होंने IIT कानपुर से ही उन्होंने PhD भी पूरा किया। इसके बाद डॉक्टर एससी वर्मा के रूप में पटना साइंस कॉलेज में आए। इसके लिए किसी सपने जैसा था, यानी कि एससी वर्मा के लिए यह एक सपने जैसा था कि कोई भी छात्र जहां से पढ़े हो वही प्रोफेसर बन के आए। यह हर किसी की एक, जो पढ़ने वाले छात्र हैं यानी कि जो हायर एजुकेशन लेते हैं, उनका एक सपना होता है। वे छात्रों को अच्छे नंबर के पीछे भागने से अच्छा उसे सीखने पर जोर देते थे। उन्होंने इस बात की इच्छा थी कि हमेशा सीखने जैसा माहौल बना रहे, जिससे कि छात्रों की भौतिकी के प्रति स्नेह बना रहे। पटना साइंस कॉलेज में प्रोफेसर बनने से पहले उन्होंने अमेरिकी लेखक डेविड हॉर्लिड और रॉबर्ट रेसनिक के साथ मिलकर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था फिजिक्स के फंडामेंटल। आज यह पुस्तक रेनिक एंड हॉलिडे के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए यह भी कहा कि जब वो 11वीं और 12वीं में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय उन्हें टेक्स्ट बुक से खूब मदद मिला था। वो कहते हैं कि छात्रों को पहली पसंद होनी चाहिए टेक्स्ट बुक। इतने दिनों तक पढ़ाने के बाद इस बात का आभास होने लगा था कि छात्रों में फिजिक्स के प्रति उस तरह की दीवानगी नहीं दिख रही है। तब उन्होंने सोचा कि एक ऐसी पुस्तक निकाली जाए जो कि आम छात्रों के बीच में एक समझ को विकसित कर सके। इसी दौरान उन्होंने कई लेखकों से संपर्क स्थापित किया, लेकिन उनकी कसौटी पर कोई खरा ना उतर सका। हालांकि 8 साल के मेहनत के बाद साल 1992 में उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के 2 अलग अलग खंडों में उन्होंने लिखा और प्रकाशित करवाया। यह छात्रों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। हालांकि इस पुस्तक के आने के
तीन साल के बाद परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव हो गया, लेकिन छात्रों ने इस पुस्तक को अभी तक नहीं छोड़ा। फिर आया साल 1994। अब प्रोफेसर एससी वर्मा आईआईटी कानपुर के साथ जुड़ गए। यहाँ उन्होंने बीटेक के छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भौतिकी पढ़ने से जुड़ी तमाम तरह की समस्याएं जो बिहार तक सीमित नहीं थी, वह आईआईटी में भी इसी तरह की समस्याएं का सामना उन्हें करना पड़ा। यहाँ के छात्र भी कुछ नया करने के बारे में नहीं सोच पा रहे थे। इस दौरान उन्होंने क्वांटम फिजिक्स पुस्तक भी लिखा था। इसके बाद उन्होंने इस पूरी समस्या के मूल को समझने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ बात किया, जिसमें पता चला कि यहाँ स्थिति तो और भी ख़राब है। तब उन्होंने फैसला किया कि इन सभी के लिए अलग से कंटेंट बनाने की ज़रूरत है। इस दौरान उन्होंने इस तरह का कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसमें 40 मिनट में किसी भी कक्षा में कैसे बच्चों को प्रायोगिक रूप से पढ़ाया जा सके। इस दौरान उन्होंने प्रयोग के तौर पर यह बताया कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। इसके बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वो योगदान देने लगे, जैसे कि स्कूल फिजिक्स परियोजना, शिक्षा सोपान शामिल है। इसके बाद उन्हें साल 2017 में पूरी तरीके से औपचारिक रिटायरमेंट की घोषणा कर दें और 38 सालों से लोगों को फिजिक्स की बारीकियों को समझाते रहें। हम उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ रहने की कामना करते हैं।